डियर स्टूडेंट्स, आज हम मार्केंसिया की स्टडी करेंगे। और मार्केंसिया की स्टडी में हम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को थोड़ा सा देखेंगे और उसका बेसिकली जो डिटेल डिस्कस करेंगे वो है हमारा उसका रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमारे यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स में मार्केंसिया की एक लाइफ साइकिल यूजुअली हम पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट्स से एक मेंबर्स के रूप में मार्केंसिया को आज यहाँ डिस्कस करते हैं। तो बायोम ट्यूटर मार्के किसी भी प्लांट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसकी क्लासिफिकेशन पोजीशन क्या है ये देखते हैं। तो जैसे कि अगर मार्केंसिया को देखें तो ये किंगडम प्लांट्स डिवीजन इसका ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइटा। और इसका जो क्लास है, जैसा कि हम लास्ट मेरे ट्यूटोरियल में भी हमने पढ़ा था, हेपेटिकॉप्सिडा, क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो लीवर लाइक होता है और इसका जो ऑर्डर है वो मार्केंसियल्स मार्केंसियसी इसकी फैमिली हो जाती है और मार्केंसिया इसका जीनस हो जाता है। इस जीनस को अगर देखें तो इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 65 स्पीसीज एंड अक्रॉस द कंट्री ऑलमोस्ट 11 स्पीसीज पाई जाती हैं। और इंडिया में इन स्पीसीज का बेसिक मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेस्टर्न हिमालय में है। आप कभी भी अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन साइड में अगर कभी घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनको मॉइस्चर वाला एक वो चाहिए एरिया जहाँ पे मॉइस्चर हो, टेम्परेचर बहुत हाई ना हो और इस तरह का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो हमारे वेस्टर्न हिमालय रीजन्स में इनके लिए अवेलेबल होता है। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ये वहीं पर ही पाई गई हैं। अब इनके अगर प्लांट बॉडी को देखा जाए तो प्रोस्ट्रेट प्लांट बॉडी होती है, डॉर्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमसली। तो देखिए, डॉर्सी वेंट्रल जो प्रोस्ट्रेट इनका अपीयरेंस है, डॉर्सी वेंट्रल की आप डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को देख के ईजिली बता सकते हो। डॉर्सल मीन्स कि जो आपको सामने से दिख रहा है। तो आप कभी भी अगर इसकी इमेज देखोगे तो जैसे अगर हम इसकी इमेज को देखें तो इसका जो अपर पार्ट है, देखिए इस इमेज में अगर आप देखोगे तो इसका जो अपर पार्ट है ये है इसका डॉर्सल। डॉर्सल कहते हैं जो आपको सामने से दिख रहा है, और जो आपको सामने से नहीं दिख रहा है जो नीचे की तरफ है वो है वेंट्रल। तो यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही पार्ट्स को आप क्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसलिए इसकी जो प्लांट बॉडी है इसको डॉर्सी वेंट्रल शेप बोला गया है। डाइकोटोमसली का मतलब होता है कि इसका जो ब्रांच है इस तरीके से, जैसे जो ब्रांच है कोई भी ब्रांच को देखोगे तो दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड होती है। इसका ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको इस तरीके का दो पार्ट्स में डिवीजन दिखेगा। तो आप इसकी इसीलिए इसको यहाँ पे ये टर्म है कि मतलब जो ब्रांच है वो टर्मिनल पार्ट पे वहाँ पे एक नॉच है, नॉच थोड़ा सा इस तरीके का एक नॉच है, नॉच कहते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ। और इस नॉच के यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट्स में देखिए कि यहाँ पे कुछ ये जो नॉच है यहाँ पे जो है कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ग्रोइंग पॉइंट्स होता है जो इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, इधर की तरफ जब डिवीजन होगा तो इधर की तरफ ये ब्रांच की ग्रोथ होगी, इसीलिए इसको एपाइकल नॉच भी बोला गया है। यहाँ पे जो नॉच है इसको एपाइकल नॉच बोला गया है, नॉच कहते हैं थोड़ा सा एक धसा हुआ हिस्सा। इसमें ये जो नॉच है यहाँ से ब्रांच में इस तरह की एक लाइनिंग निकली होती है, और इस लाइनिंग को आप जो है डायग्राम में बहुत क्लियर देख सकते हो। मतलब इसको जब भी कभी आप देखोगे तो देखिए ये जो लाइनिंग है, ये जो आप इस डायग्राम में ये जो लाइनिंग देखिए, ये नॉच है इस यहाँ पे, ये नीचे की तरफ इस तरीके से एक लाइन आ रही है। तो इस तरीके का उभार, मतलब आप जब ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर आपको खांच सी दिखाई देगी, धसा हुआ हिस्सा दिखाई देगा और एक सीधा लाइन में आता है ये। इसीलिए इस धसे हुए हिस्से को ही हम मिडरिब कहते हैं, क्या कहेंगे, मिडरिब। और ये इनकी एक मेन मॉर्फोलॉजिकल एक प्रॉपर्टीज में ये आता है। अगला अगर हम इनमें प्रॉपर्टीज देखें तो इन, अब मिडरिब क्या है ये मैंने बता ही दिया कि इनका जो डॉर्सल सरफेस है वो बीच में से थोड़ा धसा हुआ होता है और एक सीधी सी लाइन खिंची रहती है। आपको ऊपर से देखने पर थोड़ा धसा हुआ ऐसा लगेगा जैसे बीच में से कुछ नाली सी निकल गई हो, हल्की सी थोड़ा सा धसा हुआ हिस्सा, और
डायग्राम में वो एक लाइन के रूप में दिखता है, इसलिए उसको मिडरिब कहते हैं। वहाँ पे ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको जैमा कप कहते हैं। इसका क्या रोल है आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ये हमने डिस्कस कर ही लिया एपाइकल नॉच को। अगर हम वेंट्रल सरफेस को देखें, नीचे वाली सरफेस को देखें जो नीचे की तरफ है, तो वहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत वो आपको देखने को मिलेंगी। वो स्ट्रक्चर्स हैं राइजॉइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स और स्केल्स। देखिए राइजॉइड्स जो होते हैं वो और स्केल्स नीचे की तरफ होते हैं। अब नीचे की तरफ कहाँ होते हैं, तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, एलोंग विद मिडरिब। एलोंग विद मिडरिब का मतलब ये है कि आप अगर नीचे की तरफ देखो तो नीचे से भी वो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऊपर इस तरीके से मिडरिब जा रही थी, तो इसके नीचे भी एक हिस्सा होगा। तो नीचे के हिस्से में ऊपर जहाँ मिडरिब थी उसी के जस्ट नीचे इस तरीके से राइजॉइड्स और ये स्केल्स इस तरीके से निकले होते हैं। अब जो स्केल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और जो राइजॉइड्स होते हैं वो इस तरीके से यूनिसेलुलर होते हैं। ये इनका एक बेसिक डिफरेंस है इसमें कि जो राइजॉइड्स हैं और स्केल्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है, राइट। आगे हम अगली स्लाइड में इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब इनकी अगर मॉर्फोलॉजी को थोड़ा सा देखा जाए तो वो यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं तो उसमें मैंने ये बताया कि भाई इनकी जो ब्रांच है आगे से दो भाषाओं में बटी होती है, इसीलिए यहाँ डाइकोटोमस वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो देखिए हर ब्रांच में इस तरीके के आपको फ्रैगमेंटेशन दिखेंगे। दूसरा ऊपर से एक लाइन खिंची, एक खांच सी दिखाई देती है, ये मिडरिब है। इस मिडरिब के जस्ट नीचे की तरफ आपको स्केल्स और राइजॉइड्स दिखेंगे। स्केल्स और राइजॉइड्स इस तरह की, देखो जड़ जैसी, इस तरह की यहाँ पे जो दिख रहा है जड़ जैसी, ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब उनमें अंतर क्या है स्केल्स में और राइजॉइड्स में, तो देखिए ये अंतर है कि यहाँ पे जो राइजॉइड्स दिखाए गए हैं वो एक ही सेल से बने हुए हैं, इसका मतलब राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं नीचे की तरफ हैं, और जो स्केल्स हैं ये मल्टीसेलुलर हैं। दोनों का अपना फंक्शन है, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। राइजॉइड्स और स्केल्स के अलावा अगर हम देखें तो जैमा कप, जो कि मैंने बताया कि जो अपर पार्ट है वहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको जैमा कप बोलते हैं, इनका आगे रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है, अब किस तरीके से वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम मार्केंसिया के थैलस की स्ट्रक्चर को देखें कि वो डॉर्सल टू वेंट्रल, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊं उसको अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे किस तरीके से दिखाई देगा। जैसे अगर मैं इसकी स्लाइड बनाऊं और मैं ऊपर से इसका नीचे की तरफ सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये मुझे किस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आपको अपर एपिडर्मिस दिखाई देगा। अपर एपिडर्मिस जो है एक सिंगल एपिडर्मिस लेयर है। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इनको कहते हैं हम एयर चैम्बर्स। और इस एयर चैम्बर्स की जो ओपनिंग होती है वो छोटे छोटे इनमें पोर पाए जाते हैं जिनके थ्रू एयर का एक्सचेंज होता है, और इसको कहते हैं एयर पोर। ये यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करती हैं। यहाँ पे ये जो एयर चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे आपको ने यहाँ देखे होंगे ये चैम्बर्स हैं। इस चैम्बर के बेसमेंट में देखिए, इस चैम्बर की जो वॉल है वो एक दूसरे चैम्बर से अलग कर रही है। जैसे यहाँ पे ये जो वॉल है ये और एक ये वॉल है, तो ये एक चैम्बर हो गया, राइट। सिंगल लेयर इनकी वॉल होती है, तीन से चार सेल्स पाई जाती हैं ऊपर की तरफ लगी हुई एक लाइन में, और वो एक वॉल का निर्माण करती हैं। इस एयर चैम्बर के बेसमेंट में आप देखिए इस तरह के फिलामेंट लगे होते हैं। इन फिलामेंट्स को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और इन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जब क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। इसका मतलब कि इस एयर चैम्बर के बेसमेंट में, तल में जो इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो दिख रही हैं इनको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूशन करते हैं,
अब जब फोटोसिंथेसिस करना है तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोर के थ्रू आती है। तो ये एयर पोर क्यों बनाए गए हैं, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। ये जो एयर चैम्बर हैं, एयर चैम्बर के नीचे वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा पैरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ है, सारा का सारा पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। इनका मेनली जो काम है वो है स्टोरेज, ऊपर जो खाना बन रहा है उसको ये स्टोर करके रखते हैं, राइट। नीचे की तरफ वही लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस की सेल्स से ही स्केल्स और राइजॉइड्स निकले हुए होते हैं। जो स्केल्स हैं वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, और राइजॉइड जो होती हैं वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। अगला, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इनके थैलस के ऊपर, जैसे ये इनका पूरा थैलस है, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है ये, और ये इनके ऊपर इस तरीके का अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर्स लगी हुई हैं, ये क्या है? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। मोनोसियस का मतलब है कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही में पाए जाएं, और डायोसियस का मतलब है जब किसी प्लांट का मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हो, एक ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केंसिया जो है वो एक डायोसियस ब्रायोफाइट्स है। डायोसियस कह रहे हैं तो इसका मतलब कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। अब जहाँ पे मेल पाया जाएगा वो फीमेल कहलाए, फीमेल मार्केंसिया, और जहाँ मेल पाया जाएगा, मेल प्रोडक्टिव पार्ट, वो मेल मार्केंसिया। अब ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हैं ये इनके सेक्स ऑर्गन हैं, जिनको आर्किगोनियम और एंथ्रिडियम कहते हैं। और जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुका हूँ कि जो गैमेटोफाइट होते हैं उनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रिडियम कहलाता है, और एंथ्रिडियम यहाँ पे ये रहा, इस तरह की जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये एंथ्रिडियम है ये। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटेंजियम जो होता है उसको हम आर्किगोनियम कहते हैं। यहाँ पे एक और विचित्र चीज़ होती है कि ये जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम, वो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स पे डेवलप होते हैं, और उसी फिलामेंट या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक इस तरह की जो खम्भे जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसको आर्किगोनियोफोर कहते हैं। अगर इसके ऊपर आर्किगोनियम बना हुआ है फीमेल प्लांट में, और अगर इसको मेल प्लांट में देखें तो चूंकि इसके ऊपर एंथ्रिडियम बना हुआ है तो इसको एंथ्रिडियोफोर कहते हैं। तो इसका मतलब कि आपके मतलब मार्केंसिया में आपको आर्किगोनियम और एंथ्रिडियम अलग अलग प्लांट पर दिखेगा, और वो जिस स्टॉक पर डेवलप्ड हैं सेक्स ऑर्गन उसको उसी के हिसाब से रेस्पेक्टिव नाम दिया गया। अगर एंथ्रिडियम जिस पे बना हुआ है उसको एंथ्रिडियोफोर कहेंगे, और आर्किगोनियम जिस पे बना हुआ है उसको आर्किगोनियोफोर कहेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, वो कोई एक डायग्राम दे देगा, मैंने एक दो जगह ये क्वेश्चन देखा है, और वो मेंशन नहीं करेगा, और वो आपसे पूछ लेगा ये एंथ्रिडियम है या आर्किगोनियम है, तो उसको कैसे याद रखा जाए। तो उसको इस तरीके से, अगर उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्लियर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसमें ये साइड में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं, तो ये आर्किगोनियम है। आगे हम इसको डिटेल भी पढ़ेंगे। और अगर अम्ब्रेला लाइक है, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं दिख रही है, अम्ब्रेला लाइक है, तो वो एंथ्रिडियम होता है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। दूसरा, कभी कभी ये भी बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको याद कैसे रखें कि ये डायोसियस है मोनोसियस है। तो देखिए, हेपेटिक ऑप्सिडा में दो इंपॉर्टेंट मेम्बर्स आते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया, राइट। तो आरएम का एमडी, इसको इस तरीके से ट्रिक याद रखो, आरएम का एमडी, तो आर बोले तो रिक्सिया, एम बोले तो मोनोसियस, मतलब रिक्सिया क्या है, मोनोसियस, और का एमडी, एम बोले तो मार्केंसिया, और डी बोले तो डायोसियस। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, आरएम का एमडी, कि मतलब हेपेटिक ऑप्सिडाम में जो दो मेन मेंबर्स हैं रिक्सिया और मार्केंसिया, वो दोनों अलग अलग नेचर के हैं। रिक्सिया मोनोसियस है, इसका मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट में मिलेंगे, एक ही थैलस में मिलेंगे, जबकि जो मार्केंसिया है वो डायोसियस है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे। तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, आरएम का एमडी।
तो आर बोले तो रिक्सिया, एम बोले तो मोनोसियस, आर एम का एम डी, एम डी में जो एम है वो मार्केंजिया और डी फॉर डायोसियस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक इसका जो जनरल हमने आउटलाइन डिस्कस किया है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हम प्रीवियस स्लाइड में राइजोट्स और स्केल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वहाँ थोड़ा सा इनके बारे में बहुत ज़्यादा जनरल बातें ही की थी। यहाँ इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है स्केल्स और राइजोइड्स की स्ट्रक्चर को शो करता हुआ। यहाँ पे देखिए, स्केल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, ये कलर में वॉयलेट होती हैं। और वॉयलेट क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें एंथोसाइनिन की प्रेजेंस पाई जाती है। तो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है फिर भी आप ये बता सकते हो कि अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और उसमें कलर जैसी प्रेजेंस आ रही है तो वो श्योरली क्या होगा? स्केल्स होगा। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप देख के ही बता सकते हो। दूसरा, ये दो टाइप के होते हैं, अपेंडिकुलेट टाइप और लिग्युलेट टाइप। अपेंडिकुलेट टाइप और लिग्युलेट टाइप में अंतर ये होता है कि जो अपेंडिकुलेट टाइप हैं वो इस तरीके से जैसे है तो उसमें इस तरीके से नॉच होगी और इस तरीके से वो रहते हैं, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं होगा, बीच में इस तरीके की नॉच दिखेगी, मतलब खांच दिखेगी आपको। जबकि जो लिग्यूले टाइप हैं वो बिल्कुल लिग्यूल, मतलब उंगली की तरह बिल्कुल सीधे, उनमें कोई ऐसे नॉच नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन इसको आप आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में ही चीज़ों की स्टडी की जा सकती है कि अगर स्केल्स में बीच में कहीं खांच आ रही है तो अपेंडिकुलेट, और अगर सीधा उंगली जैसा सीधा है, जैसे उंगली में हमारे कहीं खांच नहीं होती है, सीधी होती है, तो उसको कहते हैं लिग्यूलेट टाइप। तो ये दो तरीके के हमने स्केल देखे। स्केल्स करता क्या है? ये कुछ म्यूकस सीक्रेट करते हैं और जो हमारे ग्रो पॉइंट हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब म्यूकस सीक्रेट करने से उनको ग्रोथ कैसे मिलती है? मतलब तो देखिए क्या होता है कि जो डेवलपिंग सेल्स होती हैं जो ग्रोथ कर रही हैं वो मेरिस्टमेटिक होती हैं, मृदुत्वकीय होती हैं, और मृदुत्वकीय सेल्स जो होती हैं बड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो उनकी मतलब सॉफ्टनेस को बनाए रखने के लिए वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है नियर बाई उस सेल का, वो काफ़ी जो है वो सॉफ्ट रखा जाता है, मॉइस्चर वाला रखा जाता है, तो वो मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, ड्राई ना हो जाए वो सेल। तो ये स्केल्स वो काम करती हैं और ये इस काम के लिए वाटर को भी स्टोर करके रखती हैं, राइट। जबकि राइजोट्स को देखा जाए, इसका मतलब कि स्केल्स जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, मिनरल एब्जॉर्प्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, बस स्टोर कर रही हैं और म्यूकस सीक्रेट करती हैं ताकि जो ग्रो पॉइंट्स हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट रखा जा सके। जबकि इसी के अपोजिट में अगर हम देखें राइजॉइड्स, तो राइजॉइड्स यूनिसेलुलर हैं। देखिए ये राइजॉइड्स हैं, सिंगल सेल हैं, यहाँ पर कोई कलर नहीं होता है। हाँ, ये यहाँ चूंकि इनको स्टेन किया गया इसलिए यहाँ पर आपको ये कलर दिख रहा है, यूजली इनमें कलर नहीं होता है। एंकरिंग एंड एब्जॉर्ब्स, एंकरिंग कहते हैं कि जो जिस सरफेस पे ये थैलस लगा हुआ है वहाँ उसे चिपका के रखते हैं, उसको कहते हैं एंकरिंग। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, स्मूथ वॉल और ट्यूबरक्यूलेट टाइप। स्मूथ वॉल कहते हैं कि जैसे कोई भी राइजॉइड्स है तो वो अंदर की तरफ जो है स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, जैसे लिग्यूलेट में जो हमने देखा। लिग्यूलेट और जो अपेंडिकुलेट यहाँ पड़ा था ये बाहर से देखने पे आप बता रहे हो, जबकि ये जो दो टाइप यहाँ बता रहे हो, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे है, मतलब अंदर की तरफ हमने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी है। तो राइजोइड्स में क्या होता है, स्मूथ वॉल राइजोइड्स में, कि अंदर की तरफ जो सेल होती है उसमें किस बिल्कुल इस तरीके का स्मूथ पार्ट होगा, जबकि जो ट्यूबरकुलेट टाइप है उसमें क्या होगा कि इस तरीके का जो अंदर की तरफ सेल्स होगा उसमें इस तरीके का अंदर की तरफ डिपोजिशन दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा जैसे कुछ डिपोजिट हो रखा है, तो इसको कहते हैं ट्यूबरकुलेट टाइप। और अगर अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, स्मूथ दिख रही है वॉल, तो उसको कहेंगे स्मूथ वॉल, राइट। तो ये राइजोट्स हैं दो तरीके के, और इनके फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, फर्दर पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि इसका नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, किस तरीके का इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, और इसमें जो है जो डॉर्सल सरफेस पे स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं और वेंट्रल सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं वो क्या काम कर रही हैं, राइट। अब थोड़ा सा चूँकि हम आगे रिप्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें इनका एक नॉर्मल ओवरव्यू होना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इनका जो लाइफ है
वो कैसे प्रोसीड हो रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो मार्केंसिया है, मार्केंसिया की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जैसा कि मेरे ब्रायोफाइट्स का जो जनरल कैरेक्टर्स वाला जो मेरा लेक्चर्स हैं वहाँ भी मैंने इस चीज़ को बड़ा ही डिटेल में डिस्कस किया है कि ये गैमेटोफाइट हैं, क्यों इनको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो आप मेरा वो वीडियो वहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। यहाँ पर मैं उन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखेंगे। देखिए, इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कहते हैं कि जब प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है तो वो गैमेटोफाइट कहलाती है, क्योंकि इनका मेन प्लांट बॉडी जो हमें मेन कहते हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मेन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो हमें आंखों से दिख रहा है, जो नेचर में पाया जा रहा है, जो आप चारों तरफ देख रहे हो जिस फॉर्म में, वो गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट जो है, ये मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्लियर दिख रहे हैं, यहाँ इस तरीके का नहीं है, ये अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है। तो ये एंथ्रीडियम है या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये आर्किगोनियम है। यहाँ पे आर्किगोनियम बन गया या एंथ्रीडियम बन गया। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट्स निकले और यहाँ पे एक्सेल होती है, ये दोनों मिलते हैं, जायगोट बनेगा। जायगोट डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड जायगोट आगे डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एम्ब्रियो जो है ये फर्दर जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब चूंकि ये जो एम्ब्रियो है ये जायगोट से बना है और जायगोट डिप्लॉयड होता है, जायगोट में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2n होती है, तो इसका मतलब ये सारा कुछ यहाँ पे जो बन रहा है ये स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कब कहेंगे? जब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो? डिप्लॉयड हो। और यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या है? डिप्लॉयड है। अब इसमें यहाँ पे स्पोर बनेंगे, और ये स्पोर जो हैं मियोसिस से बनते हैं, इसका मतलब ये स्पोर हैप्लॉयड होंगे, और इसीलिए यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हो रहा है, इसीलिए ये स्पोरिक मियोसिस कहलाता है। ये स्पोर बाद में रिलीज हो जाते हैं और आगे जर्मिनेट करके ये आगे क्या बना देते हैं? मेल और फीमेल प्लांट बना देते हैं। क्योंकि ये स्पोर जब बन रहे थे तो यहाँ मियोसिस हुआ है, इसका मतलब ये स्पोर में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? एन होगी। इसीलिए आगे जो भी प्लांट बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा? एन हो जाएगा। एन है मतलब हैप्लॉयड है, और हैप्लॉयड है तो हम इसको गैमेटोफाइट कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। अब हम ये तो हमने थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देखा कि किस तरीके से ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं लाइफ साइकिल को। अब हम इसको थोड़ा सा वन बाई वन डिटेल पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर मैं मार्केंसिया के रिप्रोडक्शन को देखूं तो यहाँ पे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। बेसिकली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव को हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो मेनली वेजिटेटिव कहते हैं कि जब प्लांट का ही कोई पार्ट है बॉडी से अलग होके अलग एक नया थैलस बनाए। तो यहाँ पे वेजिटेटिव में तीन तरीके का रिप्रोडक्शन हम देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन, नाम से क्लियर है कि कोई भी थैलस है वो नॉर्मल अपने जगह पर लगा हुआ है। मान लो कोई जानवर आया, आप गए घूमने, आपके पैर वहाँ पड़ गए, आपके पैर के पड़ने से वो फ्रैगमेंट हो गया, टूट गया छोटे छोटे हिस्सों में, तो हर टूटा हुआ हिस्सा नया थैलस बना लेगा। मान लो आप नहीं गए तो भी हर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ फिक्स होती है, तो जैसे ही उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा तो उसका जो बेसमेंट वाला पार्ट है, जैसे इस तरीके से इसकी ब्रांच होती है डाइकोटोमस, तो होगा क्या? मान लो इसकी एज कंप्लीट हो गई, राइट? तो ये जो बेसमेंट वाला पार्ट है ये यहाँ से अलग होने लगेगा, मतलब डिके होने लगेगा, डेथ होने लगेगी। जब ये सेल्स मरने लगेंगे तो ये सूखने लगेगा, तो यहाँ पहले बेसमेंट से सूखना स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है ऐसे ये। तो जब यहाँ पे, जहाँ ये दोनों जुड़ी हुई हैं, जहाँ से सूख जाएगा, तो ये दोनों ब्रांच क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी, और हर अलग हुई ब्रांच आगे चल के एक नया थैलस बना देगी। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस। एडवेंटिटियस ब्रांचेस कहते हैं कि जैसे बहुत सारे ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, मार्केंसिया में भी बहुत सारी स्पीसीज में देखा गया है कि उसमें वेंट्रल सरफेस पे नीचे की तरफ, जैसे ये इसकी ब्रांच है, तो इस ब्रांच के साथ ही साइड में भी कुछ इस तरह की ब्रांच नीचे की तरफ डेवलप हो जाती हैं,
और ये ब्रांच जो हैं ये मेन ब्रांच के नीचे से डेवलप हुई हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एडवेंटिटियस ब्रांच। और ये अगर यहाँ से अलग हो जाए तो ये भी आगे चल के एक नया थैलस बना लेती है। अब चूंकि ये प्लांट से ही अलग होके नया थैलस बना रहे हैं, इसलिए ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काउंट किए जाते हैं। तीसरा है गैमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैमी क्या है, राइट? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आप जब भी कभी मार्केंसिया को ऊपर से देखोगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको इस डायग्राम में काफ़ी अच्छे से दिखेगा, ये मार्केंसिया का एक एक्चुअल डायग्राम है थैलस का। आप ऊपर से देख रहे हो, इसका मतलब ये डॉर्सल साइड है, और डॉर्सल साइड पे देखो, मैंने बोला था ना, एक खांच सी दिखेगी, ये रही वो, ये सेंट्रल पार्ट में। और यहाँ पे देखो, दो हर ब्रांच सेंटर में दो भागों में बटी रहती है, और ये एपाइकल नॉच, राइट? इस सेंटर पार्ट में जो मिडरिब है, जिसको हमने मिडरिब नाम दिया है, इस मिडरिब के अलोंग, मतलब इसी के जस्ट ऊपर जो है कप लाइक स्ट्रक्चर्स रखी रहती हैं, और इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं गैमा। क्या बोलते हैं? गैमा, गैमा कप। अब देखिए, नॉर्मल जो डायग्राम अगर ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो इस तरीके से आप बुक्स में देखते हो, एक्चुअल में वो ऐसा दिखेगा, राइट? अब इसको हम अगर जूम करके देखें कि भाई ये जो गैमा है ये अंदर क्या है इसमें, तो आप जब गैमा कप को अंदर से देखोगे तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स लगी रहती हैं, बाई डिस्क स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसमें दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ी हुई हैं। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि बेसमेंट, देखिए जो गैमा कप है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाए जाए, ये जो बाहर से जो दिख रहा है ये गैमा कप है, इसके अंदर जो इस तरह की जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको गैमा बोलते हैं, राइट? और इनका प्लूरल हो जाएगा गैमी, एक से ज़्यादा को एक साथ बोलोगे तो गैम, और सिंगल अगर उस स्ट्रक्चर्स के लिए आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे गैमा। ये गैमा की स्ट्रक्चर्स को अगर एवेल्यूएट किया जाए तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें बेस, ये नीचे का जो हिस्सा होता है वो स्टॉक कहलाता है। ये स्टॉक की सहायता से ये अपने बेस में जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए, यहाँ पर ये रहा स्टॉक, राइट? और ये इस स्टॉक की वजह से ये बेसमेंट में जुड़ा हुआ है। इस स्टॉक के अलावा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बाई डिस्क है, इसमें दो, और ये दोनों डिस्क, मतलब ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यूस नहीं है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों साइड में खांच है, मतलब वो धंसा हुआ अंदर की तरफ, इसको कहते हैं नॉच। और इस नॉच की बेसमेंट में यहाँ पे कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मेरिस्टमेटिक सेल्स। अब ये मेरिस्टमेटिक सेल्स का क्या काम है? वो ये है कि जब ये यहाँ से अलग होगा तो ये मेरिस्टमेटिक सेल्स इधर की तरफ डिवीजन करेंगी, और ये मेरिस्टमेटिक सेल्स इधर की तरफ डिवीजन करेंगी, और नया नया थैलस बनाएंगी। तो कहने का मतलब कि ये जो नॉच है ये ऐसे ही नहीं बनाती, इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस नॉच में कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, और ये ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ये जो है यहाँ से ग्रो करना शुरू करेगा, एक नया थैलस बनेगा, ये एक नया थैलस बना देगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये देखा गया कि एक गैमा से यूजुअली दो थैलस कम से कम बनते हैं, राइट? तो ये हमने नॉच देखा। दूसरा, इसमें जो मैक्सिमम सेल हैं उनमें आप डॉट 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 स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका मतलब वो क्लोरोप्लास्ट है। गैमा जो है वो ऑटोट्रॉफ होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस पाई जाती है वहाँ पे। और क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर जो है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो गैमा है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो वो मल्टी सेलुलर है। वो फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है? वो फोटोसिंथेसिस करता है, और वो मैक्सिमम सेल्स उसकी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इस गैमा में दो टाइप की सेल्स ऐसी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, और वो कलर लेस होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये सेल्स कौन सी हैं? तो देखिए, ये सेल्स हैं, एक तो है ऑयल सेल, आप देख रहे हो बीच बीच में कुछ ऑयल सेल्स पाई जाती हैं, नाम से ही क्लियर है कि ये जो है ऑयल को स्टोर करके रखती हैं। दूसरी है राइजोइड सेल। ये जो राइजोइड सेल होती हैं इनका काम है कि भाई ये जो जब ये नया थैलस यहाँ से बनेगा, जब नॉच की जो ये सेल्स हैं ये आगे की तरफ, जब जब ये सेल यहाँ से डिवीजन करके नया थैलस बनाना शुरू करेंगी,
तो वहाँ पे राइजॉइड्स भी तो बनाने हैं। तो ये जो राइजॉइड सेल हैं, ये नया थैलस बनने के टाइम में ये वहाँ पे राइजॉइड्स बनाती हैं, तो इनका बड़ा रोल है भाई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें जो राइजॉइड्स हैं, ये जो राइजॉइड सेल है, इनका भी रोल हमने देख लिया, नॉच, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स को भी हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये जो है आपके ध्यान रखना है आपको कि गैमा जो है वो किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, वो बाहर से इस तरीके से देखो, ये एक्चुअल थैलस है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, किस तरीके से वो होते हैं, और मिड रिब के ही अलोंग होते हैं, मतलब उसी के सारे सारे लगे रहते हैं, मिड रिब जो खांच दिखाई दी थी सेंटर पार्ट में, और अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है, किस और कितनी तरह की सेल्स उनमें पाई जाती हैं, और किस सेल्स का क्या रोल है, ये हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने तीनों तरह के रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। पहला हमने देखा फ्रेगमेंटेशन से, दूसरा देखा एडवेंटिजियस ब्रांच से, तीसरा देखा गैमा से, राइट। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इसका मेन पार्ट है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले पहले हमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के डेवलपमेंट को थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि बिना इनको समझे आप इस रिप्रोडक्शन को नहीं समझ सकते। होता क्या है कि यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट में होते हैं, क्योंकि पहले हम मेल प्लांट के सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले एंथ्रीडियम को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंथ्रीडियम है वो जिस फिलामेंट पे डेवलप होता है उसको एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, और ये अम्ब्रेला शेप होता है। देखिए अब इसी को अगर हम जूम करके देखें कि ये दिखता कैसा है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्स को अगर हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करें, तो क्रॉस सेक्शन स्टडी करने पे हमें यहाँ पता चलेगा कि ये जो स्टॉक है जिस पे ये डेवलप हो रखा है वो ये है, ये वाला पार्ट देखिए। तो यहाँ पे ये स्टॉक हो गया, इस स्टॉक का जो ऊपर वाला पार्ट है ये डिस्क जैसा पार्ट है, और इस डिस्क जैसे पार्ट में आपको दिखेगा इस तरीके के 8 लोब होते हैं। कितने? 8। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अप्रॉक्सीमेटली 8 होते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला अम्ब्रेला शेप जो स्ट्रक्चर्स है, जो जो अपर पार्ट है, ये 8 लोब होते हैं इसमें। और इस 8 लोब में दो तरह की स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप में पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है ना, अल्टरनेट वेव में दो चैम्बर पाए जाते हैं, पहला तो है एंथ्रीडियल चैम्बर और दूसरा है एयर चैम्बर, ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। मतलब देखिए आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखिए, जैसे ये एयर चैम्बर है, राइट, यहाँ पे एयर चैम्बर के बाद क्या आ गया, एंथ्रीडियल चैम्बर, एंथ्रीडियल के बाद क्या आ गया, एयर चैम्बर, फिर क्या आ गया, एंथ्रीडियल, फिर एयर, फिर एंथ्रीडियल, फिर एयर, फिर एंथ। तो कहने का मतलब है कि इस डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स में दो चैम्बर मेन पाए जाते हैं, वो हैं एयर चैम्बर और एंथ्रीडियल चैम्बर। अब इनका काम क्या है, जो एंथ्रीडियल चैम्बर है उसके अंदर तो एंथ्रीडियम पाया जाता है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये देखिए ये मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। और जो एयर चैम्बर है, इस एयर चैम्बर के अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं, जिनको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अंदर की तरफ ये फिलामेंट जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हैं, और ये फोटो एयर चैम्बर जो है एयर पोर के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है, एयर पोर से बाहर से गैसें आती हैं, यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब एयर चैम्बर का जो रोल है वो फोटोसिंथेसिस में है, क्योंकि यहाँ जो है एंथ्रीडियम और ये सब डेवलप होगा, तो इनको जो है फूड प्रॉपर जो है सप्लाई होता रहे। इसका मतलब कि जो एंथ्रीडियोफोर का अपर पार्ट है, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, और वो किस चैम्बर में मिलेगी, वो आपको मिलेगी एयर चैम्बर में, राइट। तो एयर चैम्बर और ये सब देखा हमने। एंथ्रीडियल जो चैम्बर है इसकी ओपनिंग को हम ओस्टियोल बोलते हैं, जबकि एयर चैम्बर की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, एयर पोर बोलते हैं, राइट। अब एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एक ही एंथ्रीडियम पाया जाता है, ये हमेशा याद रखना है। और इस एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा जूम करके देखें, तो इस एंथ्रीडियम के चारों तरफ जो सेल्स पाई जा रही हैं, ये जो सेल्स हैं ये सेल्स जैकेट सेल्स कहलाती हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। और अंदर की तरफ जो सेल्स भरी हुई हैं इनको कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल,
और ये जो एंथ्रीडियम है ये भी स्टॉक मतलब एक छोटा सा बेसमेंट में मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको स्टॉक कहते हैं, जिसकी सहायता से ये एंथ्रीडियल चैम्बर के बेसमेंट से चिपका रहता है। राइट, अब ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या आगे फर्दर इनका डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो गया कि जो एंथ्रीडियम है वो जिस फिलामेंट पे है उसको एंथ्रीडियो फोर कहते हैं, उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन काटें तो वो कैसा दिखेगा, फिर किस तरीके से वो अरेंज हैं, किसका क्या पार्ट है, क्या फंक्शन है, तो ये चीज़ें हमने थोड़ी डिस्कस की। अब अगर हम ये देखें कि जो एंथ्रीडियम है वो डेवलप कैसे हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि यह हम बहुत सारे यूजी कोर्सेज में और पीजी कोर्सेज में जो है अक्सर कई स्टेट्स के कॉलेज करिकुलम में ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड किया है। बच्चे जो हैं इन सेल डिवीजन के पैटर्न को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें सेल लेवल पे हैं तो आप इनको प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर तक ही खुद को रख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट शुरू होगा तो होता क्या है कि जैसे एंथ्रीडियो फोर है, ये फिलामेंट है, इस एंथ्रीडियो फोर के ऊपर इस तरीके की डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स लगी हुई हैं। इस डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स में जो एंथ्रीडियल कैविटी हैं, चैम्बर हैं, वो बन चुके हैं इस तरीके से ऊपर की तरफ, और एंथ्रीडियल चैम्बर के बेसमेंट में यहाँ पे एक सेल्स होती है जो साइज में बड़ी हो जाती है रेस्पेक्टिव टू नियर बाई सेल्स। तो आपको समझ में आया कि एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहाँ होती है। भाई देखिए, एंथ्रीडियम कहाँ था, वो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर था, इसका मतलब जहाँ एंथ्रीडियम बना है उसके बेसमेंट में ही तो इसको बनाने वाली सेल्स रही होगी, तो इसका बेसमेंट क्या है, तो ये एंथ्रीडियल चैम्बर में पाया गया था, तो इसका मतलब एंथ्रीडियल चैम्बर के बेसमेंट में ये एंथ्रीडियल सेल पाई जाती है जब इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो एंथ्रीडियल चैम्बर इस तरीके से था, यहाँ इसका ये बेसमेंट हो गया, तो यहाँ की ये जो सेल है ये अपनी नियर बाई सेल से थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है, इसको कहते हैं हम एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है इसमें पहला ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और दो सेल बनेंगी, बाहर वाली जो सेल्स होती है वो आउटर सेल कहलाती है और नीचे वाली जो सेल है वो बेसल सेल कहलाती है। बेसल सेल में आगे चल के कोई डिवीजन नहीं होता है, लेकिन जो आउटर सेल है इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ट्रांसवर्स डिवीजन से ये फिर से दो सेल बना लेती है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और प्राइमरी स्टॉक सेल। अब आपको यहाँ से आगे इस तरीके से याद रखना है कि जो प्राइमरी स्टॉक सेल है वो आगे रेगुलर वे में डिवीजन करेगी और फाइनली वो स्टॉक बना देती है। राइट, और स्टॉक क्या होता है, वो बेसमेंट में उसको कनेक्ट करके रख रहा है नीचे की तरफ, वो एक तरह का पिलर है जो एंथ्रीडियम को अपने ऊपर रखे हुए हैं। अब ये जो दूसरी सेल है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, इस सेल में आगे चल के तीन डिवीजन होते हैं, कितने होंगे, तीन डिवीजन्स, और वो तीन डिवीजन, अब एक सेल में तीन डिवीजन होंगे तो टोटल कितनी सेल बनेंगी, एक से बनेंगी दो, दो से बनेंगी चार और चार से बनेंगी आठ। इसका मतलब अगर किसी सेल में कंटिन्यूस तीन डिवीजन हो तो सिंगल एक सेल से टोटल आठ सेल बन सकती हैं, और ऐसा ही यहाँ होता है। प्राइमरी जो एंथ्रीडियल सेल है इसमें कंटिन्यूस तीन डिवीजन होते हैं और तीन डिवीजन होने से टोटल आठ सेल बन जाती हैं, और ये आठ सेल चार चार सेल की दो लेयर में अरेंज हो जाती हैं। देखिए इसमें देखिए, चार सेल अंदर की तरफ हैं और चार सेल बाहर की तरफ हैं, और देखिए दो लेयर में हैं, बाहर की ये लेयर है और एक अंदर की तरफ लेयर है। राइट, तो यहाँ से सीधा आपको इस तरीके से याद रखना है। राइट, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप थोड़ा सा और देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना ये वाला जो पार्ट है ये कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा यहाँ से ये याद रख सकते हैं। अब ये जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में तीन डिवीजन हुए जिसमें से दो डिवीजन वर्टिकल होते हैं और एक पेरिक्लाइनल होता है, तो फाइनली ये जो है आठ सेल बना देती हैं, और आठ सेल चार चार की दो लेयर में अरेंज होती हैं। इसमें जो बाहर की लेयर होती है उसको प्राइमरी जैकेट सेल्स कहते हैं और अंदर की जो लेयर होती है उसको प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहते हैं। जो प्राइमरी जैकेट सेल है वो आगे चल के जैकेट का निर्माण करती है
एंथ्रीडियम के चारों तरफ जो हमने जैकेट देखा था वो कहाँ से बन रहा है, प्राइमरी जैकेट सेल से। और जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है वो आगे चल के एंड्रोसाइट मदर सेल्स बनाती हैं, और एंड्रोसाइट मदर सेल जो है वो आगे चल के क्या बनाएगी, मेल गैमेट्स। और ये जो डायग्राम है ये मेल गैमेट्स का है, राइट। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि एंड्रोसाइट जो मदर सेल है वो आगे चल के मेल गैमेट्स बनाएगी, और मेल गैमेट्स यहाँ पे देखिए बाई फ्लैजिलेट होता है, इसमें दो फ्लैजिला होती है और कॉमा सेप होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, राइट। जब ये एंथ्रीडियम बन जाता है, तो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट जब हो गया तो एंथ्रीडियम जो है वो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर है, और एंथ्रीडियल चैम्बर और एंथ्रीडियम के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, इसको कहते हैं एंथ्रीडियल कैविटी। और एंथ्रीडियल चैम्बर की ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोल बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि वो किस तरह, तो इस तरीके से फाइनली जो है ये उसकी मैच्योर फेज है कि किस तरीके से एक मैच्योर एंथ्रीडियम जो है वो बनता है। यहाँ तक हमने देखा कि भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस तरीके से अरेंज है, क्या उनके स्ट्रक्चर्स है, और मेल मैच्योर एंथ्रीडियम कैसा दिखता है, और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हमारा मेल पार्ट तो मैच्योर हो गया, अब हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन किस तरीके से डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब भी आप फीमेल थैलस को देखेंगे तो वहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर्स मिलेगी, एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर्स जो है ऊपर की तरफ निकली हुई होगी जिसको आर्किगोनियोफोर, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वाली ये अपीयरेंस आपको दिख रहा है, इनको कहते हैं रे, और ये टोटल संख्या में 9 होती हैं। किसी भी आर्किगोनियोफोर के ऊपर जो डिस्क है, इस डिस्क से 9 उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स आपको साइड में निकलती हुई दिखेंगी, और इन 9 उंगली जैसी स्ट्रक्चर को, ये जो निकली हुई हैं इन्हीं को कहते हैं रे। क्या कहते हैं बच्चों, रे। यहाँ पे बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप यहाँ आर्चिगोनियम को, ये आर्चिगोनियम है, इस आर्चिगोनियम को आप ऊपर नीचे की तरफ लटका हुआ देख रहे हो, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। होता क्या है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब ये आर्चिगोनियम बनती हैं तो ये जो जैसे आर्चिगोनियम फोर है, ये सपोज करो ये आर्चिगोनियम फोर है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है जो डिस्क जैसा है, राइट। तो जब ये इनिशियल स्टेज में थी, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ये सारी आर्चिगोनियम ऊपर इस तरीके से लगी होती है, राइट। और इनका लगने का पैटर्न क्या होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो ओल्ड आर्चिगोनियम होती हैं, मतलब जो मैच्योर होती हैं, वो साइड में होती हैं, पेरिफेरल रीजन में पाई जाती हैं, और जो न्यू आर्चिगोनियम होती हैं वो सेंटर में पाई जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो ये जो डिस्क है आर्चिगोनियम फोर के ऊपर, जो डिस्क है जिस पर आर्चिगोनियम लगी हुई है, ये जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो बिफोर फर्टिलाइजेशन ये ऊपर की तरफ होती है, मतलब इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो डिस्क का सेंट्रल रीजन है ये साइड की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और जब ये साइड की तरफ ग्रोथ करेगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, और बहुत ज़्यादा जब ग्रोथ होगी तो ये साइड में खिसक जाती हैं, और साइड में खिसकने के कारण ये नीचे की तरफ ऐसे झूल जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो साइड में आप लटके हुए आर्चिगोनियम को देख रहे हो, ये पहले नहीं थी, इनिशियली मतलब फर्टिलाइजेशन तक ये ऊपर की तरफ ही होती हैं, और इनकी पोजीशन फ्लास्क जैसी यों होती है डिस्क पे, जैसे नीचे की तरफ डिस्क है इस पे ये यों होती हैं ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो इस डिस्क का ये जो सेंट्रल पार्ट है इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, और ग्रोथ की तो साइड की तरफ इसने डिस्प्लेस कर दिया उनको, तो वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं, इसीलिए वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको इस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पर अगला ध्यान रखने वाला बात ये भी है कि जिस तरीके से हमने एंथ्रीडियम में ईयर चैम्बर देखे थे, सेम उस तरह की स्ट्रक्चर्स आर्किगोनियम में भी पाई जाती हैं, ईयर चैम्बर्स हैं, ईयर पोर हैं, सेम रोल है, यहाँ भी वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि वहाँ एंथ्रीडियल चैम्बर और ईयर चैम्बर अल्टरनेट पैटर्न में थे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ईयर चैम्बर कंटिन्यूस वे में लगे हुए हैं, और एट द एंड टर्मिनल पे जो है वो आर्किगोनियम नीचे की तरफ लटकी हुई है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे
कुछ चीज़ें और हैं जो हमें ध्यान रखनी है। होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले, जैसे ये आर्चिगोनिया फोर है, ये डिस्क है, इस डिस्क को अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये जो डिस्क है इस पर 9 ऐसे लाइन खिंची होती हैं, मतलब इस तरीके से 9, इनको कहते हैं रे, राइट। अब ये पूछोगे सर ये लाइन क्या है, जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि ये आर्किगोनिया फोर है, ये आर्किगोनिया फोर हो गया, इसके ऊपर ये डिस्क है और उसको ऊपर से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे जो आर्किगोनियम है वो लाइन 9 लाइन में लगी हुई होती हैं इस तरीके से, और एक लाइन में कम से कम 12 से 14 आर्किगोनियम पाई जाती हैं। इसका मतलब टोटल लाइन कितनी होती हैं, ये 9, जिनको हम रे कह रहे हैं, और एक रे में कितनी आर्किगोनियम पाई जाती हैं, एक रे में पाई जाती हैं 12 to 14। तो अप्रॉक्सीमेटली एक आर्किगोनियम फोर के ऊपर जो डिस्क है, एक डिस्क के ऊपर कितनी आर्किगोनियम हो सकती हैं, तो यू कैन एस्टिमेट 12 × 9। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब संख्या में आर्किगोनियम पाई जाती हैं। और क्वेश्चन उठता है कि इतनी ज़्यादा बल्क संख्या में आर्किगोनियम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई इसमें, क्योंकि एनर्जी भी तो वेस्ट हो रही है। तो इसका क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, और पानी में वो अपना मेल गैमेट्स आ रहा है। अब रिप्रोडक्शन हो ना हो ये तो एक प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है, और अगर हम मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को ज़्यादा बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी उनकी मैचिंग की ज़्यादा रहेगी, इसीलिए जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो गैमेट्स की संख्या ज़्यादा रखते हैं, राइट। ताकि क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि वो एक ही अगर गैम आर्चिगोनियम होती तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, मैथमेटिक तरीके से अगर हम देखें तो अच्छी प्रोबेबिलिटी रहे फर्टिलाइजेशन की, इसीलिए ये थोड़ा सा संख्या में बनाए जाते हैं। अब जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म आगे हम डिस्कस करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो डिस्क का ये जो सेंट्रल रीजन है ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और ये जो आर्चिगोनियम लाइन में लगी हुई थी ये नीचे की तरफ झुक जाती हैं, और इसीलिए वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, राइट। आई होप कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, जब ये सेंटर पार्ट यहाँ पर ग्रोथ किया इसने, तो ये साइड में मूव की और आर्चिगोनियम नीचे की तरफ मूव हो गई। ये घटना कब घटी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो इन आर्चिगोनियम के अंदर जायगोट बन चुका है, अगर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। इसीलिए क्या होता है कि जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम रे कह रहे हैं, यहाँ से कुछ टिश्यू जो होते हैं वो कर्टन्स लाइक स्ट्रक्चर बना, पर्दे जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं सिंगल लेयर की, ये जो देखो ऐसे पर्दे से, ताकि ये ढके रहें, इनको थोड़ा सा नुकसान ना हो। इस पर्दे जैसी स्ट्रक्चर को, कर्टन्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरिकेटियम। क्या बोलते हैं, पेरिकेटियम। कहाँ से बना ये बना रे, जैसे ये वाला जो पार्ट है फिंगर लाइक पार्ट रे है, यहाँ की सेल्स ने इधर की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट किया, जो है इधर की तरफ जब ग्रोथ करना स्टार्ट किया तो इस तरीके से यहाँ से वो बना है, ठीक है। तो ये जो पेरिकेटियम टर्मिनोलॉजी है, आई होप आपको ये अब समझ में आई होगी कि पेरिकेटियम क्या है। पेरिकेटियम कुछ नहीं है कि जैसे ही आर्चिगोनियम नीचे की तरफ इन्वर्ट हो जाती हैं, झुक जाती हैं, तो उन आर्चिगोनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंगल लेयर टिश्यू की एक पर्दे जैसी स्ट्रक्चर बना देती है जो उनको कवर करके रखती है, ताकि क्योंकि अब उनमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उनके अंदर जायगोट है जो आगे फर्दर जो है डेवलप करेगा, तो वो सेफ रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, राइट। तो दूसरा, जब आप एक मैच्योर जो है आर्चिगोनियम को देखोगे, चूँकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी आर्चिगोनियम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो बेसमेंट वाला पार्ट होता है वो वेंटर कहलाता है, जहाँ पे एग पाया जाता है। वेंटर के ऊपर वाला जो पार्ट है ये नेग कहलाता है, नेग में 4 से 8 सेल्स पाई जाती हैं, और अपर जो रीजन है, टॉप जो रीजन है, यहाँ पे जो सेल्स इसको ढक के रखती हैं उनको कवर सेल्स कहते हैं, और जो नेक सेल, नेक रीजन है इसके अंदर सेल्स भरी रहती हैं, इनको नेक कैनाल सेल कहते हैं। नेक और वेंटर के जो ट्रांजिशन जोन है, जहाँ पे ये दोनों जोन मिलते हैं वहाँ पे जो सेल पाई जाती है उसको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं। वेंटर कैनाल सेल्स की संख्या यूजुअली एक ही होती है, जबकि नेक कैनाल सेल की संख्या वेरी होती है, 4 to 8, 8 to 10 तक पाई जा सकती है। जब ये आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाती है तो होता क्या है कि जो बारिश होगी, क्योंकि उनको पानी के लिए ज़रूरी है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी है, तो
तो ये अभी तो इनवर्ट दिख रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ये ऊपर की तरफ थी डायरेक्शन। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे दो कवर सेल्स हैं, तो जैसे ही ऊपर से वाटर पड़ा तो मैकेनिकल फोर्स पड़ा तो ये फट जाती हैं कवर सेल मैच्योर होके, और नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल भी डीजनरेट हो जाती हैं। तो ये रास्ता पूरा खुल जाता है, जैसे ये अब खुल गया पूरा। देखो ये अभी जो है मैच्योर कंडीशन का है डायग्राम, ये वाला यहाँ पे देखो सेंटर का रास्ता पूरा बंद है, नेक कैनाल सेल वेंट्रल कैनाल सेल ने पूरा बंद कर रखा और ऊपर भी दो सेल्स हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आई, पानी आया, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन ही तो इसको कंट्रोल करती है ना, तो ये सारा देखो सब डीजनरेट हो गया, और डीजनरेट होके ये पूरा रास्ता बन गया। इसमें होके मेल गैमेट यहाँ जाएगा और यहाँ पे एग के साथ फ्यूज करेगा। बहुत सारे रिसर्च ये कहती है कि जब ये नेक कैनाल सेल वेंट्रल कैनाल सेल और ये कवर सेल्स जो कि टॉप पे पाई जाती हैं, ये जब डीजनरेट होती हैं तो डीजनरेट होने के समय ये कुछ केमिकल सीक्रेट करती हैं, और ये केमिकल्स ही मेल गैमेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कीमोटैक्टिक मूवमेंट माना जाता है। कीमोटैक्टिक मतलब कि कोई गैमेट्स जो है केमिकल मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट होके उधर की तरफ मूव कर रहा है, तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट, राइट। तो ये ध्यान रखना है, कई बार ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं या जो जो लोअर प्लांट्स हैं, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए जो है किस तरीके का, वहाँ अगर मेल गैमेट्स मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट के लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, तो कीमोटैक्टिक, राइट। अब थोड़ा सा अगर हम ये देखें कि भाई ये जो आर्चिगोनियम बनी है ये कैसे बनी है, जिस तरीके से हमने एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट देखा, थोड़ा सा हम इसको भी देखते हैं। आर्चिगोनियम कहाँ बनी? जो हमारा आर्चिगोनियम फोर था, उस आर्चिगोनियम फोर के ऊपर डिस्क थी, और डिस्क में जो है इस तरीके के 9 लाइनें हमने बताई थी जिनको रे कहते हैं, ये क्योंकि उसी रे में तो ये पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ही इनको बनाने वाली सेल्स पाई जाती हैं इन्हीं लाइन पे, जिनको आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं, राइट। तो ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल है ये साइज में थोड़ा बड़ी होती है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, और ये पहला ट्रांसवर्स डिवीजन, यूँ इस तरीके से डिवीजन होगा ट्रांसवर्स, और ये दो सेल बना लेती है, प्राइमरी स्टॉक सेल एंड प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल। जो प्राइमरी स्टॉक सेल है वो आगे चल के किसका निर्माण करेगी? स्टॉक का। तो सीधा यहाँ से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्टॉक सेल जो है स्टॉक का निर्माण करेगी, स्टॉक, क्योंकि जो आर्किगोनियम है उसमें भी नीचे की तरफ स्टॉक पाया जाता है। अब ये जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल है ये आगे चल के क्या करती है, इसमें दो मतलब इसमें डिवीजन होगा, और इसमें डिवीजन से जो है प्राइमरी आर्किगोनियल सेल से दो डिवीजन, एक सेल में अगर दो डिवीजन हो तो कितनी सेल्स बनेंगी? 4। तो आप प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में दो डिवीजन किया आपने, तो एक सेल में दो डिवीजन से टोटल सेल बनती हैं 4। तो ये जो 4 सेल्स हैं ये इस तरीके से अरेंज होती हैं कि 3 सेल्स तो पेरिफेरल रीजन में पाई जाती हैं और एक सेल सेंट्रल रीजन में पाई जाती हैं। जो सेंट्रल रीजन में पाई जा रही है उसको कहते हैं सेंट्रल सेल, और जो चारों तरफ इनको 3 सेल्स कवर किए हुए हैं इनको कहते हैं प्राइमरी कवर सेल, राइट। अब यहाँ से आगे क्या होता है कि जो प्राइमरी कवर सेल हैं, जो 3 सेल हैं, इनमें जो ये अपर वाली सेल है ये तो अभी डिवीजन नहीं करेगी, लेकिन जो साइड में जो 2 सेल हैं ये 2 सेल ट्रांसफर डिवीजन करके दो दो सेल्स और बना देती हैं, देखिए इधर भी और इधर भी। तो ये जो 2 सेल्स बनी हैं इसमें ऊपर की जो सेल्स है ये नेक इनिशियल जो कि आगे नेक का निर्माण करेगी, और ये जो नीचे की सेल्स है ये है वेंटर इनिशियल जो आगे चल के वेंटर का निर्माण करेगी, और जो प्राइमरी कवर सेल है ये आगे चल के आर्किगोनियम को जो यहाँ पे जो कवर कर रही है कवर सेल ये आगे चल के इसका निर्माण करती है, राइट। तो आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि भाई जो प्राइमरी आर्किगोनियल सेल है इसमें दो दो डिवीजन होने से 4 सेल्स बनी, और वो 4 सेल इस तरीके से अरेंज होती हैं कि 3 तो पेरिफेरल रीजन में पाई जाती हैं और एक सेंटर में पाई जाएगी। जो सेंटर में मिलेगी उसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, और जो पेरिफेरल वाली जो सेल है उसमें जो टॉप पार्ट की सेल है वो प्राइमरी कवर सेल है, और जो साइड में जो 2 सेल्स हैं इनमें फर्दर एक एक ट्रांसफर डिवीजन और होता है, और इसमें एक सेल को कहते हैं हम नेक इनिशियल, जो नेक इनिशियल है वो आगे चल के नेक सेल बनाएगी, ये वाली नेक नेक, और वेंटर इनिशियल आगे चल के वेंटर का निर्माण करेगी इस तरीके से, राइट। अब जो है जो सेंट्रल सेल है इसका क्या हो रहा है? सेंट्रल सेल में भी जब यहाँ पर नेक और वेंटर बनने लगता है
तो उस टाइम सेंट्रल सेल भी आगे चल के डिवीजन करेगी। इसमें पहला डिवीजन ट्रांसवर्स ही होता है, ट्रांसवर्स कहते हैं मतलब सीधा, नब इस तरीके से सी राइट। तो ट्रांसवर्स डिवीजन से यहाँ भी दो सेल्स बनती हैं, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल आगे चल के नेक कैनाल सेल बनाएगी और ये नेक कैनाल सेल नेक के अंदर का जो हिस्सा उसको भर देती हैं राइट। प्राइमरी वेंटर सेल है आगे चल के ये दो सेल्स बनाती हैं, वेंटर कैनाल सेल। एक मतलब इसमें आगे डिवीजन होगा तो एक सेल में डिवीजन होगा तो कितनी सेल बनेंगी, दो। तो इसमें ऊपर वाली जो सेल है वो बन जाती है प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल और नीचे वाली जो सेल्स है वो बन जाती है एग सेल। इसमें सीधा सा है राइट। तो किसी भी आर्चिगोनियम को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से उसका डेवलपमेंट है। इसमें जो किसी भी मैच्योर अगर आप आर्चिगोनियम को देखो तो उसमें सबसे टॉप पार्ट पे, ये मैं प्रीवियस वीडियो में अपने ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया हूँ कि किसी भी आर्चिगोनियम के टॉप पे जो सेल्स पाई जाती हैं वो कवर सेल्स कहलाती हैं। और कवर सेल से नीचे की तरफ बाहर की तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं वो नेक सेल कहलाती हैं। देखिए कोई भी जो आर्चिगोनियम होती है अगर इसको ब्रीफ में देखें तो कोई भी जो आर्चिगोनियम है वो एक फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए ये एक फ्लास्क है, तो ये जो पार्ट है सकरा वाला पार्ट ये नेक कहलाता है और ये जो फूला हुआ बेसमेंट वाला हिस्सा ये वेंटर कहलाता है राइट। तो वही हिस्सा ये है कि जो नीचे वाला फूला हुआ हिस्सा ये वेंटर है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नेक है। अब ये जो गर्दन वाला हिस्सा है इसमें ऊपर को दो प्लग जैसी लगा दिया जाए तो वो बंद रहेगा, तो इसीलिए वहाँ पर कवर सेल्स पाई जाती हैं राइट। तो वेंटर जो है वेंटर जो है वहीं उसकी कैविटी में वेंटर कैविटी होती है और वेंटर कैविटी में ही एक्सेल पाई जाती है देखिए राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, आई होप यहाँ तक आपको इसका थोड़ा डेवलपमेंट समझ में आया होगा। ये अब हमारा जो पार्ट है ये है वही फर्टिलाइजेशन और आगे का फर्दर डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई ब्रायोफाइट्स में हम जानते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉयड जायगोट बनेगा और डिप्लॉयड जायगोट जो है वो आगे मियोसिस अभी नहीं करेगा, मियोसिस बाद में होगी। यहाँ पे पहले माइटोसिस होगी, समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से ये जो है अभी स्पोरोफाइट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। पहले एम्ब्रियो बनाएगा और यही एम्ब्रियो आगे चल के स्पोरोफाइट बनाएगा। और मैं स्पोरोफाइट क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो बन रही हैं ये डिप्लॉयड होती हैं और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स स्पोरोफाइट कहलाती हैं। मैं अपने प्रीवियस ब्रायोफाइट जनरल करेक्टर ट्यूटोरियल में स्पोरोफाइट डेवलपमेंट को डिटेल डिस्कस किया हूँ कि जायगोट में किस तरीके से डिवीजन्स होते हैं, किस तरीके से ये सारा कुछ बनता है, एम्पीथीसियम एंडोथीसियम। आप मेरा वो वाला ट्यूटोरियल इस फर्दर स्टडी के लिए वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। फिर भी ब्रीफ में अगर हम इसको देखें कि वही जो जायगोट है फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, तो देखिए मेल जो गैमेट्स हैं वो एंड्रोसाइट से जो हमारा एंथ्रीडियम था वहाँ से रिलीज हुए। क्योंकि मेल जो गैमेट्स होते हैं उसमें फ्लैजिला पाई जाती हैं, दो फ्लैजिला होती हैं, तो वो मूव करके आर्किगोनियम तक आता है। आर्किगोनियम में एक्सेल्स होती हैं और यहाँ पे दोनों गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो उससे जायगोट बनता है। कोई भी जायगोट जब बनेगा तो वो डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड होगा, वो जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स में जो पहला डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और कितनी सेल्स बनेंगी, दो। इनमें फिर जो दूसरा डिवीजन होगा वो भी ट्रांसवर्स होगा और दो से कितनी सेल्स बन जाएंगी, चार राइट। इस चार सेल स्टेज को कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट स्टेज। ये जो क्वाड्रेंट स्टेज है इसमें जो ऊपर की जो दो सेल्स हैं ये एपी बेसल सेल्स कहलाती हैं। क्या कहेंगे इनको, ईसी, ईसी बोले तो एपी बेसल सेल। और नीचे की जो दो सेल हैं इनको कहेंगे बी सी सॉरी एच सी हाइपोबेसल सेल राइट। तो देखिए एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, जायगोट बना, जायगोट में पहला डिवीजन हुआ, पहले वर्टिकल डिवीजन, उससे दो सेल बनी, फिर उसमें फिर से एक बार वर्टिकल डिवीजन हुआ तो टोटल चार सेल बनी। इसका मतलब दो वर्टिकल डिवीजन्स कंटिन्यूस हुए हैं उसमें, तो एक सेल से फिर टोटल चार सेल बन गई। इसमें क्वाड्रेंट जो स्टेज बनी है अब दो वर्टिकल डिविजन्स के बाद, इसमें दो सेल ऊपर वाली हैं, दो सेल नीचे की तरफ हैं। तो जो ऊपर वाली सेल्स हैं उनको एपिबेसल सेल कहते हैं और नीचे की तरफ जो सेल्स हैं उनको हाइपोबेसल सेल कहते हैं। जो एपिबेसल सेल हैं ये आगे चल के डिवीजन करती हैं और ये जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाती हैं कि इसमें सेल जो है दो लेयर में अरेंज हो जाती हैं। देखिए जो हाइपोबेसल सेल हैं
ये भी डिवीजन कर रही हैं। लेकिन जो पहले हम एपिबेसल को देखते हैं, एपिबेसल में दो लेयर बन जाती हैं, जो बाहर की जो एपिबेसल सेल हैं उन्होंने डिवीजन किया और दो लेयर में अरेंज हो गई। बाहर की जो लेयर है उसको कहते हैं एम्फीथीसियम, ईटी एम्फीथीसियम, और जो अंदर की लेयर है उसको कहते हैं एंडोथीसियम। तो जो एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम, ये टर्मिनोलॉजी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। तो जो एम्फीथीसियम है ये जो है यूजुअली जैकेट का निर्माण करता है, और जो एंडोथीसियम की सेल्स हैं, जो अंदर की सेल्स हैं, वो अंदर देखो ये जो कुछ भी बन रहा है, स्पोर बन रहे हैं, ये इसको बनाती हैं, राइट। तो जो एपिबेस, इसका मतलब कि जो जैकेट है और ये जो अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, ये कौन से हिस्से से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं इससे, एपिबेसल सेल से। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं, तो इसको हम देखेंगे। नीचे की जो दो सेल्स हैं जिनको हम हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं, इनमें भी डिविजन्स होता है और ये आगे चल के एम्ब्रियो के अदर पार्ट्स को बनाते हैं। अब वो कौन से पार्ट हैं उसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए किसी भी और यहाँ पे जो एम्ब्रियो बन रहा है वो आगे चल के स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो उसमें तीन मेन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। देखिए जैसे अगर ये है कैप्सूल ऊपर का हिस्सा, ये है सीटा और ये है फुट, और ये फुट किसके अंदर धंसा हुआ है? ये धंसा हुआ है उस आर्चिगोनियम के अंदर, और इसका मतलब गैमेटोफाइट के अंदर, राइट। तो ये जो कैप्सूल है, ये सीटा और ये फुट, तो ये जो कैप्सूल है, अब चूंकि आर्चिगोनियम उल्टा लटका हुआ है इसीलिए ये इस तरीके से अपियरेंस आ रहा है आपको। तो ये जो कैप्सूल है इसके चारों तरफ जैकेट पाया जाता है, ये रहा जैकेट जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं, तो देखिए ये सारे स्पोर्स हैं, और इस कैप्सूल के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं सीटा, ये रहा। ये जो सीटा होता है ये कैप्सूल को फुट से कनेक्ट करता है, देखो ये इस तरीके का इंटरकनेक्टिंग पार्ट है, लिंकिंग पार्ट है, ये लिंक कर रहा है। फुट जो है वो किसी भी स्पोरोफाइट का वो पार्ट होता है जो उस स्पोरोफाइट को नीचे मदर प्लांट से जोड़ के रखे हुए हैं, और मदर प्लांट क्या है? गैमेटोफाइट है, राइट। और फुट के थ्रू ही न्यूट्रिशन जो है स्पोरोफाइट को मिलता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के सबसे बाहर की लेयर को हमने क्या बोला? जैकेट। और अंदर जो भरा हुआ टिश्यू है उसको कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जो आगे चल के स्पोर बनाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम स्पोर डेवलपमेंट थोड़ा सा मैं ब्रीफ में अभी डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ दो टर्मिनोलॉजी आई थी, एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम। और मैंने ये बताया था कि जो एम्फीथीसियम की सेल्स हैं वो जैकेट बनाती हैं, और जो एंडोथीसियम की सेल्स हैं वो जैकेट के अंदर जो कुछ भी पाया जा रहा है वो बनाती हैं। और इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? स्पोर पाए जा रहे हैं और इलेटर्स पाए जा रहे हैं। अब ये इलेटर्स क्या है? इलेटर्स क्या होते हैं? इस तरीके की इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। जब ये कैप्सूल बनता है तो कैप्सूल के अंदर पूरा स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो स्पोर बनाता है, लेकिन सारी सेल्स स्पोर नहीं बनाती, कुछ सेल्स जो हैं वो इलेटर्स बनाती हैं। और इलेटर्स क्या होते हैं? इस तरह की जो इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। और इनका काम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो जब कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा तो कैप्सूल को फटना भी तो है, स्फुटन भी तो करना है ताकि स्पोर डिस्पर्स हो। तो ये इलेटर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो अंदर जो है वॉल्यूम बढ़ेगा इनका, और जब इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा और कैप्सूल फिर फट जाता है। और जैसे ही कैप्सूल फटेगा तो वो स्पोर बाहर रिलीज हो जाते हैं, राइट। तो इलेटर्स का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पोर डिस्पर्सन में। जो इलेटर्स होते हैं ये यहाँ पे उन्हीं सेल से बनते हैं जिनसे स्पोर बनते हैं। और ये जो है यहाँ इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इलेटर्स और स्पोर अगर सेम मदर सेल से बनते हैं तो ऐसे इलेटर्स को हम ट्रू इलेटर्स कहते हैं, और हेपेटिक ऑप्सिडा जो लीवर वर्ड्स हैं इनमें ट्रू इलेटर्स पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेटर्स हैं ये और ये स्पोर सेम मदर सेल से बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे कुछ और भी टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है, जैसे कैलिप्ट्रा, राइट, और पेरिडियम। ये होता क्या है कि जब भी
आर्चिगोनियम के अंदर जो है ये स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट मदर प्लांट पे भी पड़ेगा जिसके अंदर ये सब बन रहा है। तो मदर प्लांट जो है उसका जो वेंटर पार्ट होता है, जैसे हुआ क्या था कि जैसे ये आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम में यहाँ एग था तो जायगोट यहाँ बना, तो इसके नियर बाई वाला हिस्सा कौन सा कहलाया? अब ये जायगोट आगे चल के डेवलप क्या कर रहा है? स्पोरोफाइट कर रहा है। तो इसके जो नियर बाई इलाका है ये तो वेंटर का था, तो ये जो वेंटर की सेल्स हैं ये इधर की तरफ और ग्रोथ करने लगती हैं, यूँ इधर से यूँ। तो इधर से क्या होगा, एक लेयर सी नीचे की तरफ और निकल आती है, प्रोटेक्टिव लेयर, इन्हीं को कहते हैं हम कैलिप्ट्रा और पेरिडियम। इसका मतलब जो कैलिप्ट्रा और पेरिडियम लेयर हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर हैं और ये स्पोरोफाइट का हिस्सा नहीं है। और अक्सर ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जो पेरिडियम है या जो कैलिप्ट्रा है वो हैप्लॉयड है डिप्लॉयड है, तो वो चूँकि गैमेटोफाइट का पार्ट है, मदर प्लांट का पार्ट है, तो वो हैप्लॉयड है, क्योंकि मदर प्लांट ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो भी टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ डिस्कस की है, चाहे वो फुट हो, सीटा हो, कैप्सूल हो, एलेटर, ये सब हो, ये सब जो है ये स्पोरोफाइट के पार्ट हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि स्पोर डिप्लॉयड नहीं होंगे क्योंकि स्पोर का निर्माण मियोसिस से हुआ है, तो राइट। तो इस तरीके से, तो ब्रीफली एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ कि किसी भी स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल पार्ट है, कैप्सूल पार्ट में दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक तो जैकेट, जैकेट डिप्लॉयड होगा। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी, इलेटर, ये मियोसिस से नहीं बनी है, ये स्पोरोजेनस सेल्स सीधी इसमें डेवलप हो गई हैं, ये डिप्लॉयड ही होती हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। लेकिन कैप्सूल के अंदर जो स्पोर पाए जा रहे हैं ये स्पोर मियोसिस से बनते हैं और इसीलिए इनमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो जाती है? इस आधी हो जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर ही अकेली ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो हैप्लॉयड होती हैं, बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर जो हैं वो डिप्लॉयड पाई जाती हैं, राइट। तो आई होप कि ये स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हमें यहाँ समझ में आया होगा। अब जो है इसके बाद जो है ये जो स्पोर हैं ये स्पोर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद ये स्पोर जो हैं इसमें आगे चल के हैप्लॉयड स्ट्रक्चर थैलस का निर्माण कर देते हैं, और ये जो थैलस निर्माण है ये चूँकि स्पोर से हुआ है और स्पोर चूँकि हैप्लॉयड था इसीलिए इनसे बनने वाला थैलस भी क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। इसका मतलब हमने जर्नी कहाँ से शुरू की थी? गैमेटोफाइट से शुरू की थी। कहाँ पे ख़त्म हुई है? गैमेटोफाइट पे ख़त्म हुई है। बीच में कौन सी स्ट्रक्चर्स पड़ी है? स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर पड़ी है। तो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि इनकी लाइफ साइकिल में मतलब हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स भी सफिशियंट मतलब सिग्निफिकेंट पार्ट रखती हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स भी सिग्निफिकेंट पार्ट रखती हैं। मतलब यहाँ पे हैप्लॉयड स्टेज भी पाई जा रही है अच्छे से और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से पाई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है उसमें दोनों जब पाई जा रही हैं तो इनके लाइफ साइकिल पैटर्न अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक। क्या बोलते हैं? हैप्लो डिप्लॉन्ट। अब चूँकि मेन प्लांट स्टेज इसमें हैप्लॉयड है इसीलिए इसको हैप्लो डिप्लॉन्टिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होता है। अगर यहाँ मेन डिप्लो डिप्लॉयड होती जैसा कि आगे हम ट्राइडोफाइट्स में देखेंगे तो वहाँ पे डिप्लो हैप्लॉन्टिक हो जाता है, राइट। तो वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। आई होप कि मार्केंसिया का जो भी हमने यहाँ पे लाइफ साइकिल डिस्कस किया है ये कुछ रेफरेंसेज हैं जो मैंने अपने स्लाइड फॉर्मेशन में जहाँ से स्टडी मटेरियल लिया है। आगे जो है आपको रिक्सिया का जो रिप्रोडक्शन है वो भी सेम पैटर्न में डिस्कस करना है। हो सकता है वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ना पाए जाएँ, जैसे वहाँ गैमा कभी यूजली नहीं होते हैं, तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हो, लेकिन मोर और लेस मार्केंसी और रिक्सिया इन दोनों का जो है जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न है वो सेम है। तो आप मार्केंसिया के थ्रू रिक्सिया को भी याद कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ